कलश छल के, ज्योति कलश छल के, ज्योति कलश छल के, ज्योति कलश छल के, हुए गुलाबी लाल सुनहरे रंग दल बादल के, ज्योति कलश छल के, घर आंगन वन उपवन उपवन करीती जो मंगल। बहुत सुंदर जंगल है, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है जंगल में भ्रमण करने का। ऐसा लग रहा है पार्क में घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मतलब शब्द नहीं मिल रहे हैं, भाव इतने ज़्यादा आनंद के हैं। नर्मदे नर्मदे, स्वर्ग जैसी सुंदरता इस वन की, आनंद लेने की। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, यहाँ का आनंद लेते हुए चल रहा हूँ। नर्मदे नर्मदे, पेड़ नंबर 076, इस जो नंबर यहाँ लिखा है कहीं ना कहीं रजिस्टर में अंकित होगा किस किस चीज़ का पेड़ है। नर्मदे बहुत ही हरा भरा घना जंगल, ऐसा जंगल आज तक सिर्फ हॉलीवुड की मूवियों में ही देखा हूँ। नर्मदे जल, यहाँ बड़ा जलप्रपात भी हो सकता है, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है और नीचे जाने का रास्ता है कि नहीं पता, आगे चल के देखते हैं। नर्मदे नर्मदे राजेश, वैसे तो हमें नीचे से ही जाना चाहिए था, मगर हमें नीचे रास्ता का विशेष पता नहीं था। बहुत सुंदर पेड़ चारों तरफ से लग रहा है कांटे वाला, आकृति इसकी बहुत अच्छी बन गई है। शायद हम नीचे नहीं जा पाएंगे क्योंकि रास्ता और ऊपर जा रहा है, पर बड़ा जलप्रपात है। हमें ऊपर का रास्ता मिला और हम पगडंडी के सहारे ऊपर और ऊपर और ऊपर आते चले आए हैं। नर्मदे नर्मदे, अब नीचे क्या है इसी के बारे में हमें पता भी नहीं, और नीचे जाने का यहाँ से कोई रास्ता भी नहीं है। नर्मदे हम नीचे से इसलिए भी नहीं गए, फिर हमें पता भी नहीं था कि नीचे से जाना है कि ऊपर जाना है, ये रास्ता कहाँ ले जाएगा। नर्मदे और हम बस पगडंडियों के सहारे आते गए, और नीचे पगडंडियाँ इसी तरफ आ गई थी तो हम भी इसी तरफ आ गए थे। एक पगडंडी आगे जा रही है, एक इधर जा रही है, रास्ता में यही होगा, हम इधर जाके थोड़ा सा देखते हैं, शायद वो जलप्रपात हमें दिख जाए। नर्मदे नर्मदे, भैया ने सुन ली, हम दो रास्ते थे, एक ऊपर जाने का एक नीचे जाने का, हम नीचे के रास्ते से आ गए और यहाँ से वो जलप्रपात भी दिख रहा है, और हम उसी की ओर जा रहे हैं। हालांकि घना जंगल है तो हमें पता नहीं आगे कहाँ से कैसे क्या है, पर हम जा ही रहे हैं। यहाँ कोई नेट तो कुछ काम नहीं करता है। यहाँ ढेर सारी पानी की बोतलें पड़ी थी। ये गुफा
नागा नासी सन्यासियों की गुना चेतन था, और यहाँ पे हमने अंदर गुफाओं में बहुत दूर तक अंदर दर्शन किए। अंदर काफ़ी अंधेरा था और हमने काफ़ी अंदर दर्शन किए। ये दूध धारा का स्थान है, जय हो भैया, जय हो भैया, जय हो भैया, जय हो भैया। इसकी धारा बिल्कुल दूध जैसी है, सफेद है, इसलिए इसलिए इसको दूध धारा के नाम से जानते हैं। तो ये हम दूध धारा ले आए हैं और यहाँ पे दर्शन के लिए गर्भवती है, गर्भवती जय 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 जी। ये कपिल जी, ये गुफा है दूध धारा में। जय 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 हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो जय हो मैया, जय हो मैया। ये बहुत अंदर गुफा है। जय 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 जय। ये अंदर ही अंदर दूध धारा में गुफा है। यहाँ पे जगह जगह पे जल गिर रहा है। ऐसी गुफा क्या दर्शन कभी नहीं किए होंगे। जय हो। यहाँ पे महात्मा जो कि तपस्या करते थे। जय हो, जय देख गुफा ही गुफा अंदर गुफा। जय हो, बहुत छोटी गुफा है, बहुत सक्रिय गुफा है। जय जी। यहाँ से अंदर आने का रास्ता जी। नर्मदे ये पहाड़ों से भी गिरता हुआ जल है, पूरा पहाड़ ही गिरा हुआ है। और मैया जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया। ये दूध धारा बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। जय हो, जय हो, जय हो। और यहाँ पे हमने दुर्गा ऋषि जी की गुफा भी देखी। और बहुत ही अच्छा आनंददायक, बहुत सुंदर स्थान। हवाएं काफ़ी चल रही है, काफ़ी देर भी हो गई है। ये वही स्थान है जहाँ पर गुफा है। अभी हम इसी गुफा के अंदर से ये सफाई कर रहे हैं, अब हम आगे चल रहे हैं। यहाँ से पहाड़ों से भी पानी उठ रहा है।
मिल रही है। यहाँ मेले का बहाव अच्छा खासा तेज है, आवाज़ बहुत तेज है। हम चाहते थे उस बड़े जलप्रपात को देखने के लिए चाहते, और वही दूध धारा के नाम से निकली, हमें पता भी नहीं चल था। बस हम बस देखने की इच्छा से नीचे आ गए। अगर सीधे चले जाते तो ये स्थान छूट जाता, तो मैया की कृपा से कैसे छूट जाता, तो मैया की कृपा से ये स्थान देख लिया। और आगे भी ऐसे ही सुंदर दृश्य है। मम्मी हाँ प्रतिमा कहाँ से उठाए महाराज जी? तो हम ऊपर रखा हमारे सामान। अच्छा अच्छा कंटक में। अच्छा जी दर्शन के लिए आए? अच्छा अच्छा अरे वाह। कहाँ तक पहुँचे महाराज? ये बगिया से आगे पास हो गई। बस से हैं पैदल? पैदल। अरे ये शायद यहाँ रुकने के लिए स्थान है, हालांकि बंद है क्योंकि काफ़ी जंगल है यहाँ, तो कोई किसी से रुकता नहीं होगा। ये हो जाए जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया। अब भैया आप देख सकते हैं कितनी छोटी हो गई है, कितनी ज़्यादा मेघवधि है, मेघवधि है। और आगे के दृश्य बहुत सुंदर है, मेघवधि है, मेघवधि है। पर हम उधर से जा नहीं सकते, मेघवधि है, हमें ऊपर जाना पड़ेगा। मेघवधि है, अरे वाह क्या बात है। मेघवधि, मेघवधि है, मेघवधि श्री हनुमान जी दक्षिणमुखी मंदिर। जय हो। यहाँ आम के पेड़ भी काफ़ी है। ये आम के पेड़ का अब लाइव समझ में आया कि यहाँ पे काफ़ी स्थान रहे होंगे प्राचीन, काफ़ी महात्मा लोगों ने तपस्या की होगी। बहुत सुंदर स्थान है जैसा कि देखा, तो इसीलिए उस समय से ये स्थान विकसित होगा, तभी यहाँ पे आम के पेड़ इतनी ज़्यादा हैं। क्योंकि आम ओम के पेड़, पीपल आम, ये सब ज़्यादा करके आश्रमों के आसपास ही होते हैं। तो ये जंगल में ऐसे होने का मतलब है कि यहाँ पे कभी पहले के आश्रम रहे होंगे। ये भैया चाय बना रहे हैं। लेवा चाय। अब हम दूध धारा से आगे जा रहे हैं। बहुत सुंदर जंगल है, बहुत सुंदर दृश्य है, और यहाँ पे पशु पक्षी भी हैं। मुझे बड़ी खुशी है मेरे दूध धारा के दर्शन किए। जल तेज़ी से गिरता है, इस हिसाब से गिरता है जैसे कि दूध घी गिर रहा है। नर्मदे नर्मदे, जैसे कि आपने देखा। और गुरु दुर्वासा ऋषि जी की गुफा, वो भी बहुत बड़ी, बहुत अच्छी थी, एकदम अंधेली। जय हो, जय हो, जय हो। ये बंदर ये भी आनंद मनाते हुए। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। नर्मदी ये वो स्थान है, इस सब जाने पे दूध धारा की ओर जाएंगे, और इस ओर जाने पे कपिल धारा। जय हो, नर्मदी, जय हो। बहुत अच्छा झरना है। जय हो, ये कपिल मुनि के आश्रम के ऊपर है कपिल धारा। जहाँ पे भैया इस रूप में ऊपर से नीचे आती है, बहुत ऊंचाई से आती है और नीचे गिरती है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। और इस तरह से आगे दूध धारा की ओर जाती है, तो सब बहुत घना जंगल पहाड़ी।
ये कपिल धारा, कपिल मुनि के कपिल धारा से आगे अमरकंटक की ओर जा रहे हैं। यहाँ से अब ऊपर जाना है, नर्मदा है, नर्मदा है, यहाँ से ऊपर अब जाना है, नर्मदा है। अगर हम आगे से नहीं उतरे होते तो हमें यहाँ से उतर जाना होता, नर्मदा है, नर्मदा है, और फिर वापस दूधधारा तक जाना होता, पर हम किनारे से आ रहे थे और पहले दूधधारा के दर्शन किए, फिर कपिल धारा, अब आगे कपिल मुनि आसन जा रहे हैं, नर्मदा है, नर्मदा है। और हम कपिल मुनि धारा के ऊपर हैं, नर्मदा है। देखिए लोग कचरा ऐसे फेंकते हैं, जो बंदर लोग उसको फैला देते हैं, ये आसन जी, ये कपिल मुनि धारा के महाराज जी आश्रम के मिलेगा ना आपको। कहाँ पे? ऊपर एक यहाँ से चार कदम जाओगे आपको टावर मिल जाएगा। अच्छा जी, जी क्या है ना, कई लोगों को फ़ोन करना है, बहुत दिन हो गए हैं, तो इसलिए बहुत दूर से मुनि अखंड धुनी कपिल मुनि महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ये धुना है, अखंड धुना, हमेशा जागृत कपिल मुनि महाराज, ये इनकी भस्म देखो। ये पहाड़ों के बीच में ये महात्मा का आश्रम बहुत सुंदर लग रहा है, जय हो, जय हो। ये कपिल मुनि महाराज जी की तपल स्थली है, जय हो। कपिल मुनि महाराज जी, जय जय। और ये दुर्गा माता मंदिर, जय हो भैया, जय हो भैया, जय हो भैया। ये कपिल मुनि आश्रम में है, जय हो। ये आश्रम बहुत सुंदर, साफ सुथरा एकदम, और फूल भी लगे हुए हैं, जय हो, जय। और काफ़ी बड़ा है, जय, फूलों से सजा हुआ है, नर्मदे हर। ये पैगंबरवासी और महात्माओं की रुकने की अच्छी व्यवस्था है, जय हो, जय हो, जय हो। स्थान बहुत सुंदर और बड़ा साफ सुथरा है। ये जंगल की पहचान, शेर, जय हो, बाघ और शेर, जय हो। कपिल मुनि आश्रम के दो, ये कपिलेश्वर महादेव मंदिर, जय हो, जय हो, जय हो। मेन स्थान शिव जी का यही है, यहाँ पे, जय हो। ओम नमः शिवाय, 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 जय हो, जय हो, जय हो। ये कपिलेश्वर महादेव बहुत ही सुंदर, इस बहुत प्राचीन है कपिलेश्वर महादेव, जय हो, जय हो, जय हो। नर्मदा है, नर्मदा है, ये गौर आसन मंदिर, जय हो। ये ब्रह्मलीन यहाँ के महात्मा जी, क्षिप्रेश्वर महादेव, कपिलधार का अमर मंदिर, जय हो। इनकी समाधि है, क्या बात, नर्मदा है, नर्मदा है।
ये नहीं बता मुझे। हाँ खाना खाते हैं खाना खाएंगे एक कपले तट कबील धारा अमीर कंट हम लोग को दिया मैया है पुल बना है हम उस पार नहीं जा सकते हम बस इसी पार के आश्रमों का दर्शन कर सकते हैं। जय हो जय हो जय जय हो मैया जय हो मैया श्री नर्मदा मैया उनका बाल रूप जैसे जैसे आते जाते हैं वैसे कम होता जाता है। जय हो मेरा जय हो मेरा जय हो जय हो जय हो ये यहाँ का एक और असल ये माँ नर्मदा स्वरूप सी हीराबाई आश्रम जय हो जय हो माता जय हो मैया ये मीराबाई मैया जय हो मैया अभी माता जी सो रही हैं। ये मेरा गर्भवती है मैया सो रही हैं इसमें डिस्टर्ब नहीं करते हैं दूर से ही चरण छू के वो कर लेते हैं प्रणाम। जय हो मैया जी मैया मीरा भाई जी जय हो इनका ये मीरा भाई मैया का नर्मदा स्वरूप मैया का आश्रम था बहुत बड़ा था अभी मैया सो रही थी इसलिए हमने उनको जगाया भी नहीं दूर से दर्शन किए उनके चरणों में वंदना की और बस अब हम आगे की ओर चल रहे हैं। नर्मदे हंसपति हाँ ये अमरकंटक के जंगल बहुत सुहाने बहुत बड़े बड़े पेड़। जय हो मैया अब हम कपिलधारा से हम आगे जा रहे हैं मैया के छोटे से रूप के साथ। जय हो मैया बाल रूप के साथ नर्मदे यहाँ पे पुल भी बने हुए हैं बहुत कुछ है पर हम उस तरफ नहीं जा सकते हैं क्योंकि उस तरफ जाने में ही गड़बड़ हो जाएगी तो हम बस आगे से जाते हैं। नर्मदे मैया यहाँ दूसरी ओर घूम गई है नर्मदे हमने कपिल धारा दूध धारा और बहुत सारी धाराओं को दर्शन किए बड़ा आनंद आया अमरकंटक में हमें बस अमरकंटक के जंगल देखे बहुत सुंदर है और अभी तो बहुत कुछ बाकी है नर्मदे पर बस फिलहाल अभी जंगल कुछ कम होने वाले हैं रोड मिलने वाली है पक्की रोड और हमें बस अब आगे चलना है किसी स्थान पे। नर्मदे अब हमें रोड का रास्ता मिल गया है पर मैया अभी भी साथ में है। मुझे बात की बहुत खुशी हुई कि हम जंगल के रास्ते से आए बहुत जगह से होते आए पर मैया लगभग हर जगह साथ में थी
हर जगह पास में थी। मैया के संग में आए और हम अमरकंटक में भी पहुंच गए हैं। नर्मदे हम रोड पे भी हैं, है ये जंगल ही बस रोड है। नर्मदे अब हम आगे की स्थान देखते हैं क्योंकि शाम होने वाली है और यहाँ पे शाम होने से पहले किसी स्थान पे पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। नर्मदे ये कबीर सत्य अनुसंधान न्यास के पास है, उस तट पे है। ये है मैया। जय हो मैया, जय हो मैया। मुझे तो लगता है मैया ही है क्योंकि इतना जल और कहीं नहीं हो सकता। हाँ मैया ही है, इसमें ये धारा भी आके जुड़ रही है तो ये मैया ही है। नर्मदे है मैया का और छोटा रूप। नर्मदे आप सब देखते चलिए। बहुत कम में मैया है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है मैया है। ये आसन ज्योति कलश छलके हुई गुलाबी लाल सुनहरे रंग दल बादल के ज्योति कलश छलके घर आंगन वन